अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था कि टिक्का बिरयानी, बीफ टिक्का बिरयानी का मैंने स्पाइसी का मैरिनेशन कर चुकी हूँ और अब फीके का वही मैरिनेशन होगा। सब प्रोसेस वही होगा, सिर्फ मरीजों के लिए जो जिनको शिकायत है अल्सर की, हाइप एच पैलरी की, जो भी इसमें मुब्तला हैं उनके लिए भी मैं बताने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जी मम्मा बताइए क्या क्या डलेगा। अच्छा मैं पहले बता देती हूँ, ये है जायफल और जावित्री, और ये है पिसा हुआ कोरिएंडर पाउडर जो कि पिसा हुआ धनिया कहते हैं, और ये है हल्दी। अच्छा हल्दी आप हमेशा आंबा हल्दी यूज़ करें ऐसे मरीजों के लिए, और उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, एंटीबायोटिक्स होते हैं तो इसलिए। और ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, और ये नमक है हमारा। तो शुरू करते हैं। अच्छा इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है? जायफल, जावित्री डाल दी। जावित्री हम थोड़ी सी ही लेंगे क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा होती है ना। अच्छा ये देखें, ये होती है जायफल जावित्री, आप बताइए। ये हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, क्योंकि मरीज एक होता है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ दो होते थे। अब वालिद साहब का मैंने आपको बताया कि इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सिर्फ अम्मी ही फीका खाती हैं तो उसके लिए ये हल्दी डल रही है, आमा हल्दी, जरी सी आमा हल्दी डालें। और वैसे आप रोज़ाना रात में दूध में, कोई भी मरीज़ के अलावा भी सभी आमा हल्दी दूध में या पानी में, जिनको दूध माफिक नहीं आता, जिनको दूध हजम नहीं होता, वो पानी के थ्रू ले सकते हैं आमा हल्दी को। सिर्फ हमने धनिया पाउडर और ये आमा हल्दी और ये जीरा पाउडर डाला है। और पहले हम जायफल डाल चुके थे, ये फूल मैंने दिखाने के लिए रखा हुआ था, सॉरी ये जायफल, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन। और ये जायफल है जी, इस तरह होता है, छालिया की तरह होता है, और ये पिसा हुआ जायफल है, और ये सब फैल चुका है, गिर चुका है। तो सिर्फ हमें मैरिनेशन के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं टिक्का बिरयानी के लिए, और वैसे भी बिरयानी के लिए, क्योंकि टिक्का के लिए तो हम जाहिर सी बात है कोयले की धुनी देंगे। मसाला बनाना सिखा दिया है किस तरह से फीके का टिक्का बिरयानी मसाला या सिर्फ बिरयानी मसाले का बन सकता है। तो ये है हमारे पास मटन, बकरे का गोश्त आपको नज़र आ रहा होगा। तो 1% 2% के लिए इनफ है, एक दिन के लिए, सुबह दोपहर में और रात में भी आप खा सकते हैं। अदरक लहसुन लेना है, ऑयल जैसा कि मैंने आपको बताया ऑयल डलता है, ये मसाला है और ये नमक है। और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट कर्ड दही ले लिया है, इसको फेंट लिया है अच्छे से। और हम वन बाय वन इसमें जिस तरह हमने पहले मैरिनेशन की थी मिर्चों के लिए, उसी तरह हम इसकी भी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले आप मसाला ही मिक्स करें जी। ये देखें, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई थी, क्योंकि मुझे पहले अदरक लहसुन डालना था और मेरे सामने मसाला था, मैंने मसाला ही डाल दिया। तो हम अगर जितना गोश्त है उस हिसाब से लेंगे, सही है। 1 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन और आधा हम इतना लेंगे, ठीक है। जितना गोश्त होगा उस हिसाब से ही डलता है अदरक लहसुन, क्योंकि लोग ये करते हैं कि भाई 1% के लिए बनाना है तो ज़रा सा डाल दो। नहीं जी नहीं, इस तरह नहीं होता, क्योंकि फिर मसाला ग्रेवी किस तरह बनेगी। और साथ में ही मैं इसमें देखेंगे अच्छे से मिक्स हो गए, नमक डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करना है। देखिए मैंने नमक भी डाल दिया, अदरक लहसुन मसाला भी डाल दिया, इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। बस में हम गोश्त डाल देंगे, हाथ धुले हुए होने चाहिए हमेशा, मैंने कहा है। और इसको हम फिर मिक्स करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है, गोश्त में सारा मसाला लग गया है, और हम बस एंड के मराहिल हैं। मरहला ये है भाई कि सिर्फ हम 1 टेबल स्पून ऑयल आएगा, क्योंकि मरीज़ों के लिए हैं तो ऑयल का हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें अभी कोरमा भी बनाना है तो उसमें भी प्याज के लिए ऑयल डालना पड़ता है, कोरमा बनाने के लिए मैं तो ज़ाहिर सी बात है नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो फिर अब हम मिलते हैं कोरमे बनाने के टाइम पर। लाफेज दिया था, मैरिनेट करके रख दिया था, मैरिनेशन लगा दी थी मैंने मटन पे, तो 4 से 6 घंटे मैंने कहा था, तो ये 4 से 6 घंटे मैरिनेशन को हो गए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ फीका कोरमा, फीका मटन कोरमा, ठीक है, टिक्का बारबेक्यू स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैंने बारबेक्यू का ही मसाला लगाया था, और यही मसाला आप जो है
को सादा सिंपल कोरमे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मरीज़ खा सकते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट ले रही हूँ। ये मैरिनेट हुई हुई मटन है हमारा। ऑयल चाहिए हमें। अच्छा, ऑयल के बारे में मैं ये बता दूँ कि हमेशा ऑयल आप प्रिफेयर करें या तो सरसों का लें या फिर कॉर्न ऑयल लें। कॉर्नस यानी कि भुट्टे का तेल, सूरजमक्खी का यानी कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये बहुत नुकसान देते हैं। तो उसके बाद हमें चाहिए साबुत गरम मसाला। देखें, तेज़पत्ता एक लिया है मैंने, छोटा सा टुकड़ा। डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, अगर तेज़ क्योंकि ये तेज़ाई होती है ना, अगर नहीं डाल सकते तो नहीं डालें। लौंग ले ली है मैंने, इसी तरह सब्ज इलायची ली है मैंने, ये देखें, ठीक है। और तो मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है जो कि साबुत है, हर चीज़ साबुत है। 3 मीडियम साइज़ की मैंने स्लाइस प्याज ले ली थी जो कि मैंने स्लाइस कर दिया था। इस तरह बारीक स्लाइस होने चाहिए। और ये मैंने मीडियम साइज़ का एक टमाटर लिया है। ये हरा धनिया और पुदीना है जो कि मैंने फ्रेश कट किया है और अभी अभी मैंने धो के इसको इस तरह छानने के लिए रखा है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और ये कुकर में हम बनाएंगे स्लाइस। तो यहाँ मैं स्टोव ऑन कर दूँगी, मीडियम पे रखूँगी क्योंकि पहले ही मैंने स्टोव को ऑन करके धो के मैंने इसको खुश कर लिया था। मैं ऑयल डालूँगी और मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है क्योंकि मरीज़ों के लिए हैं इतना ऑयल, क्योंकि मैंने मटन में भी मैरिनेशन के दौरान मैंने डाल दिया था। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज। तो देखिए, प्याज डालेंगे तेल, और प्याज गरम तेल में ही डालें तो बेहतर है। और हेयर इज़ माई स्पैचुला, वुडन स्पैचुला जो कि मैं प्रेफर करती हूँ। अच्छा जी, ये जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक हम इसको लाइट ब्राउन करने के लिए भूनते रहेंगे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे, ताकि ना जले ना ही हमें ज़्यादा ब्राउन चाहिए, ना ही ज़्यादा थोड़ी ब्लैक ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। तो जी देखिए, मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर दी है और इस तरह की प्याज हो चुकी है हमारी माशाल्लाह से, ना ही ज़्यादा ब्राउन और ना ही कम लाइट, ना सफ़ेद रहनी चाहिए ना ज़्यादा ब्राउन होनी चाहिए। इस तरह साइडों से आप लेते रहें ताकि साइड जो है ना वो जल जाते हैं। तो इस तरह आप चम्मच चला के लाइट ब्राउन करते हैं। अच्छा, मैं यूजली जब मिर्चों का कोरमा बनाती हूँ तो उसमें साबुत गरम मसाला मैं ऑयल गरम होने के बाद ही डाल देती हूँ, लेकिन यहाँ हम मरीज़ों के लिए बना रहे हैं क्योंकि गरम मसाला गरम होते भी हैं और तेज़ भी होते हैं, तो मैंने इसीलिए ऑयल गरम करने के बाद प्याज डाल दिया क्योंकि तेज़ाई इसमें ना आ जाए। और इस अगर इस तरह की हो जाए ना जब तक प्याज, तो फिर आप गरम मसाला साबुत डाल दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें। और अब हम यहाँ मैरिनेट की हुआ मटन ये हम डाल दें। देखिए, ये जो तेज़ हो ना ही ज़्यादा स्लो हो, मतलब मीडियम से थोड़ा सा हल्का तो तेज़ रखें और इस तरह इसकी भुनाई करें। गोश्त की असल भुनाई ही होती है जो कि स्मेल वगैरह मटन की या बीफ की जो भी स्मेल हो वो निकल जाए। अच्छे से इसकी भुनाई करें क्योंकि इसी में ही मेहनत है, क्योंकि कच्चे गोश्त की भुनाई जब तक नहीं होगी वो अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ये इसकी भुनाई है असल। मैं गोश्त डाला था वो देखें यकजा हो गया है मसाले में, प्याज में, मसाला, गोश्त सब। ये देखो, इस तरह का होना चाहिए आपका कि ऑयल ऊपर आ गया है। तेज़ आँच पे यही भूनने का असल मज़ा है और यही जो है ना स्मेल भी इसी टाइम निकल जाती है, वरना अगर आप ज़्यादा भूनोगे नहीं तो स्मेल रहेगी। और पूरे मतलब कोरमे में या कोई सी भी आप ग्रेवी बना लें, कोई सी भी डिश बना लें, उसमें रहेगी स्मेल। तो मैं बिरयानी मटन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ
ये होने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड होने के बाद, ज़्यादा टमाटर नहीं, उसको भी हमने अच्छे से भूना। ये टमाटर डल चुके हैं, मैंने पानी भी डाला है क्योंकि टमाटर यहाँ गलेंगे और मटन भी गलेगा। ये कुकर में मैंने चढ़ाया है और हमेशा हम सारी चीज़ें डाल देंगे। मैंने धनिया, पुदीना जो कट करके धो के रखा था वो भी मैं डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। जब सीटी बचेगी तो हम नॉर्मल पे करके उसके बाद हम 15 से 20 मिनट इसको रखना है। तो यही फ़ायदा होता है कुकर का कि आपकी जल्दी जल्दी बीफ या मटन गल जाता है। तो हो चुका है हमारा कोरमा तकरीबन, लेकिन इसकी भुनाई अभी बाकी है। तो मैंने कहा था 15 से 20 मिनट हम इसको रखेंगे, 15 से 20 मिनट हो चुके थे और देखें गोश्त कितना अच्छा से गल गया है, हड्डी से गोश्त ने छोड़ दिया। इस तरह का हो जाता है तो हम इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि भुनाई के बगैर इसका कलर और टेस्ट अलग होता है। तो कुकर में था तो कुकर हमेशा हमेशा इस तरह करना चाहिए कि जब आप 20 से 25 मिनट रख दें तो उसके बाद स्टोव को ऑफ़ कर दें, फ्लेम ऑफ़ कर दें, और जब तक उसकी सीटी की आवाज़ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप इसको खोलने की बिल्कुल कोशिश मत करें। मैंने ये स्टोव ऑन किया है, तेज़ आंच में इसको हम करेंगे और इसको, और ये मैंने कोयला रख दिया था यहाँ पे, तो इसको भी ऑन कर देंगे क्योंकि मुझे धुनी देनी है। बारबेक्यू, मटन बारबेक्यू बिरयानी बन रही है तो उसके लिए हम कोयला भी ऑन कर देंगे। तो ये भुन चुका है हमारा कोरमा, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि मुझे मिर्चों वाला भी बनाना है तो मुझे इसके लिए कुकर की नीड है, तो मैं इसको दूसरी डेगची में डिश आउट करने के बाद बताती हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए मैंने कुकर से निकाल के डेगची, छोटी डेगची में मैंने इसको डाल दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा, और वहाँ हमारा कोयला हो रहा है, तकरीबन हो चुका है बिस्मिल्लाह। मैंने ये डाल दिया है, और अगर आपके पास कोई कटोरी ना हो तो आप यूजली आप ये यूज़ कर सकते हैं फॉइल, ठीक है। स्टोव को आप बंद कर दें बिस्मिल्लाह, और इसको इस तरह रख दें और थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो बेसिकली मरीज़ को, मतलब लोग इस तरह डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई वो मरीज़ है तो भाई वो सिर्फ सूप पिएगा या फिर आप दलिया खाएगा, उसके अलावा कर ही नहीं सकते, चावल खा ही नहीं सकता, सिर्फ रोटी सूप दलिया ये खा सकता है। तो सॉरी टू से ऑल ऑफ यू, इस तरह नहीं है। और यही चीज़ मुझे दिखानी थी कि आप हर चीज़ मरीज़ की उसी तरह बना सकते हैं जो डॉक्टर ने उसको मना किया है, मिर्चें कम ऑयल इस तरह, लेकिन आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही नहीं बना सकते, क्योंकि कोशिश करने से ही सब आसान जी। अब मैं आपको बता रही हूँ जो मरीज़ों के लिए विदाउट स्पाइसी मटन बारबेक्यू कोरमा बनाया था उसके लिए हम बिरयानी कैसे बनाएं। अच्छा, यूजली मेरी अम्मी जो है वो दोपहर में तो चावल ले लेती हैं, लेकिन रात में वो रोटी ही खाना प्रेफर करती हैं, इसीलिए हम चावल बिरयानी जो है वो कम बनाते हैं। पुलाव है, बिरयानी है, ताहिरी है, तो हम दिन में ही उनको सिर्फ चावल देते हैं और रात में वो रोटी प्रेफर करती हैं खाना। तो मैंने आपको बताया था दो अफराद के लिए मैंने बनाया है कोरमा। तो यहाँ अम्मी के लिए एक गिलास मैंने बासमती चावल राइस को भिगो दिया है, इसको भी आधा घंटे, क्योंकि बासमती है आधे से पौना घंटा ही भिगोना है, तो यहाँ भिगो चुकी हूँ। वही प्रोसेस है सैला चावल का भी और बासमती का जो मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। मिंट लीव चाहिए। अच्छा, अम्मी के तय में हम लोग क्योंकि अम्मी को एच पैलरी है, जख्म एक तरह से आप समझ लें,
जो कि मैं पेट के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आंत में हो, मैदे में हो या एक्स वाई जेड, तो वो लेमन प्रिपेयर नहीं करती, हम लेमन उनको नहीं देते क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है और आप सिट्रिक एसिड जो हमारे उंगली वगैरह कट जाती है, अगर आप वहाँ पर सिट्रिक एसिड लग जाए, चाहे वो ऑरेंज का हो, चाहे वो लेमन में हो, चाहे मौसम्बी का हो, तो उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए सिट्रिक एसिड उनको एसिडिटी पैदा करती है। इसलिए सिर्फ आलू बुखारा ही, वो भी एक खाती हैं क्योंकि आलू बुखारा पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो एक हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने गरम मसाला ले लिया है और बादियान फूल लाजमी चाहिए और एक एक चीज़ लिए, ज़्यादा नहीं क्योंकि मरीज़ के लिए है, तो चावलों में अच्छे से खुशबू उतर आए, तो और ये नमक है, केवड़ा है, ऑयल है और यहाँ पर जर्दे का कलर है। तो ये देखें पानी इसमें डाल चुका है, इसमें सारी चीज़ें हम वन बाय वन डालेंगे। बिस्मिल्लाह, नमक भी डाल देंगे, और मिंट लीव्स भी डाल देंगे। हर चीज़ आसान है, आप मरीज़ को मरीज़ ट्रीट करेंगे तो वो भी उकता जाएगा, और बस यहाँ हमें थोड़ा सा बिल्कुल जस्ट बस इतना ऑयल चाहिए। जब तक हमारे चावल भीगे हैं उस टाइम तक हम, और यहाँ मटन बारबेक्यू बिरयानी तैयार हो रही है, इसको भी हम चेक करेंगे कि ये सही भाप भरी है या नहीं। ये देखें इस तरह भाप भरनी चाहिए और हम इसको चावलों को इस तरह से चेक कर लेंगे, ये परफेक्टली रेडी है, इसको हम बंद कर देंगे। ये देखें ये बिरयानी मटन नॉन स्पाइसी बिरयानी रेडी है इसकी, ये देखें